नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के अंदर और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बिल्कुल चकाचक हैं, कपड़ा देख के बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि हारे थके हैं, लेकिन लगातार दिन रात क्षेत्र में घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश में हर गांव के अंदर घूमने के बाद इन्हें क्या स्थिति महसूस हो रही है और क्या हाल चाल है और राजनीतिक स्थिति क्या है, वह के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। तो स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज का जो दिन है वो बड़ा ही हमारे देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से माना जाए। आज के दिन ही हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी और बाबा साहब ने कहा था, दो तीन बातें मुझे उनकी याद है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि साहब, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम चूँकि शिक्षा जगत से जुड़े रहे, संघर्ष करके शिक्षा ली, तो हम इस महत्व को समझते हैं। दूसरी बात जो बाबा साहब ने कही, मैं आपके दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि संगठित रहो, सुशिक्षित बनो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और कहीं ना कहीं आज का जो मौजूदा समय है, उस समय में हमें एक कमी ये दिख रही है कि हम लोग ना तो संगठित हैं, ना शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं और ना संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो हमें कमियां जो है ख़ास तौर से इस मध्य प्रदेश में समझ में आई हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा पिछड़ापन है, इतना ज़्यादा 20 साल से जो है सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने भी यहाँ दो तीन दिन घूमा है, चार दिन हो गए आपको भी, कि हर गांव में आपको मंदिर मिल जाएगा लेकिन गाँव में विद्यालय नहीं मिलेगा, गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, गाँव में चौकस बिजली की व्यवस्था नहीं मिलेगी, गाँव में लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली वाली जो देखो ना, रोटी पानी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है गाँव के लोगों को 5 किलो जो हमें लग रहा है राशन, उस पर रोक रखा है सरकार ने। और शिक्षा का जो अभाव है जो यहाँ मध्य प्रदेश में दिख रहा है, ख़ास तौर से जो हम राजगढ़ लोकसभा में हैं, तो पिछले देखा जाए एक तरीके से 10 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद हैं और 20 साल से मध्य प्रदेश की सरकार है और उसमें से भी 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। तो जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है उसने कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को ख़ास तौर से बिल्कुल भूल गए हैं, यहाँ के क्षेत्र को भूल गए, 2-4 शहर चमका दिए हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, जो टाउन इलाका है, जो कस्बाई क्षेत्र है, आप ये देखो चारों तरफ ऊसर बंजर सही दिख रहा है। हम जितने भी गांव में घूमे हैं, कम से कम 50-60 गांव हम घूम लिए हैं, हमें किसी भी गांव में कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं दिखी, किसी भी गांव में हमें कोई एक अच्छा स्कूल नहीं दिखा। ये टोल जरूर है यार, टोल पर हमें जो है टॉयलेट दिखा है, टोल पर आपको टॉयलेट। एक बात तो है, टॉयलेट में तो पानी है, सिर्फ टोल वाले टॉयलेट में पानी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मुंबई को जाने वाला हाईवे है ना, तो बड़े बड़े साहब लोग यहाँ निकलते हैं, गुजराती साहब भी यहीं से निकलते हैं, तो इस वजह से यहाँ टोल। गुजराती साहब मतलब भाई? गुजराती साहब मतलब सरकारी गुजरात से चल रही साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप भी भोले बन रहे हो। सरकारी गुजरात से चल रही तो गुजरात का तो खास ध्यान रखा जाएगा और ये हाईवे गुजरात होते हुए बम्बई जा मतलब रहा है। आपका कहना ये है कि क्योंकि सरकार आप जो कह रहे हो जहाँ से भी चल रही है गुजरात तो से वहां चल रही है, प्रधानमंत्री गुजरात के, तो गृह मंत्री गुजरात के, तो सारे जो ऑफिसर लॉबी है वो गुजरात की, तो सरकारी गुजरात चला रही है, वो इस हाईवे से निकलते हैं इसलिए यहाँ के टॉयलेट। भाई ये मैंने 4-5 दिन में समझा कि जहाँ जहाँ पे भी टोल प्लाजा है वहाँ टॉयलेट चकाचक है, उनमें पानी व्यवस्था चकाचक है, क्यों? और 1 किलोमीटर इधर चले जाओ, 1 किलोमीटर क्या, 200 मीटर भी इधर चले जाओ तो जो गाँव आते हैं वहाँ पानी नहीं, और सरकारी पानी की कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश में भी कई गांव हैं और बाकी राज्यों में भी कई गांव हैं, वहाँ कम से कम जो सरकारी पानी के नल हैं वो 1-1 घंटे या 2-2 घंटे सुबह शाम को तो आते हैं। यहाँ तो कम से कम 50 गांव में घूमा हूँ, वहाँ तो पानी के कोई नल ही नहीं है, वो तो गांव का कोई मौजज आदमी होता है, वो भलमनसात में अपना प्राइवेट जो है बोरवेल लगवा लेता है या प्राइवेट कोई समर सेविल टाइप से लगवा लेता है और वो गाँव की जनता के लिए समाज सेवा में पानी की व्यवस्था कर रहा है। उस पे साहब जो हमें लग रहा है एक तिहाई मध्य प्रदेश चल रहा, और ये वो इलाका कौन सा है ये भी आपको पूछना चाहिए था, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, इलाका वो है जिसमें ज़्यादातर बहुजन रह रहे। हमें लग रहा है बीजेपी वालों ने छांट छांट के ये काम कर रखा है कि हाँ साहब दलित बस्ती है, पानी की व्यवस्था मत दो, आदिवासियों की व्यवस्था है बस्ती है, पानी की व्यवस्था मत दो,
ऐसा आप सब मतलब आप ऐसा निशाना साध रहे हो तो ऐसी क्या इनकी कोई दुश्मनी है इन लोगों से? भाई ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, हम तो ये नहीं मानते थे। मोदी जी जैसे कहते थे ना कि इस देश में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन अब तो हमें देख के लग रहा है, खास तौर से मध्य प्रदेश में जिन जिन गाँवों में हम घूमे हैं, कि जाति देख के धर्म देख के जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उनके गाँव में व्यवस्था नहीं दे रहे, जो दलित हैं आदिवासी हैं उनके गाँव में व्यवस्था नहीं दे रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो जाति धर्म में बांटने का काम है वो बीजेपी ने किया है। सरकारी पैसे से अस्पताल नहीं बनेगा, सरकारी पैसे से मंदिर बनेगा। हर गांव में हमने चकाचक मंदिर देखे। तो अभी दो तीन लोगों से मैंने बात करी गांव में, हर गांव में पूछा कि साहब आप लोग इतना मंदिर बनाने पर जोर दे रहे हो, इस गांव में आप पे इतना पैसा है, आपने बढ़िया मंदिर तो बना लिया साहब। हमें तो यही लगा कि मंदिर गांव वालों ने बनवाया होगा, लेकिन गांव में आपने पानी की व्यवस्था नहीं करी, स्कूल की नहीं करी, क्यों नहीं करी? तो वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये मंदिर तो सरकार ने सरकारी पैसे से बनवाया। अच्छा एक सवाल हो रहा है, जब मंदिर की बात आ गई, आप मंदिर की बात उठा रहे हो, तो हर घर पर अधिकतर हर घर पर डंडा और डंडा में श्री राम को झंडा। ये भी हमने बात करी, जब उन लोगों की हमने व्यथा समझी, परेशानी समझी, तो लोगों से पूछा कि साहब ऐसा है, जब मंदिर सरकारी पैसे से बना, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं, सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था नहीं, तो आप लोगों ने भगवा झंडे क्यों लगा रखे हैं श्री राम के? तो वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब सरकार के लोग आए थे। मैंने फिर कुरेदा उनको, भैया कौन सरकार के लोग, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या सरकारी अफसर? तो वो कह रहे हैं साहब बीजेपी के जो नेता लोग थे वो लोग आए और उन्होंने ये कहा कि ये सरकार की तरफ से, यानी कि बीजेपी की जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से ऑर्डर है कि हर घर पे झंडा लगेगा। अब वो लोग डर की वजह से उन्होंने सबने जो है लगवा लिया और अभी तक लगे हुए हैं। अब वो लगे रहेंगे भाई, गांव का आदमी जिसको आप समझ लो पानी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये श्री राम का झंडा जो सरकारी झंडा, ये जबरदस्ती लगवाया गया है सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी अपना प्रचार करने के लिए कि साहब हमने अभी थोड़ी देर पहले हम जो है बहुजन समाज के लोगों की बस्ती में गए जी। बस्ती में भी आप भी तो जो बहुजन समाज के लोग है वो भी हालांकि पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे वो लोग भी, और कहीं ना कहीं उनकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आई वो सिर्फ पानी है। तो आप क्या मान के चल रहे हो कि पानी ही एक सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है यहाँ की, या और भी कोई समस्या है? साहब आप प्राथमिकता देखो, जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हवा। अगर हमें 2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर सकते हैं। हवा के बाद जो सबसे जरूरी है शरीर के लिए वो है पानी। 2 मिनट अगर हवा ना मिले तो राम लीला खत्म हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा साहब। अब हवा के बाद सबसे जरूरी है पानी। दिन भर अगर आपको पानी ना मिले तो शरीर बिल्कुल खत्म है, मान लो निचुड़ जाएगा आदमी, बिना पानी के रह ही नहीं सकता। तो आप ये अंदाजा लगा लो कि जब गांव के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है तो आगे की बात कैसे करेंगे कि साहब रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, कमाई चाहिए। जब पानी ही नहीं मिल रहा तो आगे की 6 चीज़ें आप समझो कैसे मिल रही होंगी। पानी, दवाई, कमाई सब बात कर रहे हो आप। अब इतने साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे और वाके बावजूद भी फिर रिपीट हो रही है। धर्म का नशा उतर गया लोगों का, जो ये राम नाम की इन्होंने लूट मचा रखी थी, नशा बिल्कुल उतर गया लोगों का। लोग क्या है, शिक्षा से नहीं जुड़े हैं तो चीज़ों को नहीं समझते हैं, और नेता लोग जो है बीजेपी के ये लोग धर्म से जोड़ देते हैं चीज़ों को। अब लोगों ने समझ लिया, 15-20 साल हो गए मध्य प्रदेश में, सब समझ गए लोग, और 10 साल हो गए केंद्र सरकार में, तो उन्हें भी समझ में आ गया ये राम नाम की लूट नहीं है, ये राम के नाम पे लूट कर रहे हैं। भाई प्रभु श्री राम कभी चाहेंगे कि भैया हमारा जो जनता है, हमारे जो जो हमारे देशवासी हैं, वो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, भाई भगवान श्री राम तो ऐसे थे, उन्होंने सबरी का भी ख्याल रखा, उन्होंने हर ना ऊंच नीच देखी, ना जात पात देखी, सबका ध्यान रखा, तो वो थोड़े ही ऐसे होने देंगे? अब लोगों को समझ में आ रहा है, और इस बार जो ये राम के नाम पे लूट कर रहे हैं ना, तो वोट की चोट लग के जो है इन्हें वापस भेजा जाएगा, जो गुजरात से आए हैं गुजरात ही वापस भेजे जाएंगे। लो जी,
यादव जी को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना हो कि गुजरात ते आए, गुजरात वापस भेजो जागो। अब कैसे भेजो जागो, वो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वोट के माध्यम से ही कोई आ सके और कोई जा सके। तो आने वाले वक्त में ऊंट कौन से करवट बैठेगो कि मालूम पड़ेगी इलेक्शन में वोट खुलने के बाद में। और यादव जी बहुत संजीदगी थे और बड़ी बड़ी बात यादव जी ने कही है, अब कितनी सत्यता सामने आवेगी ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। तो यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फिर नई वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।